अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो कराची का मौसम तो आप लोग जानते हैं कितना ज़बरदस्त चल रहा है। तो आज मैं आप सबके लेके आ गई हूँ बहुत ज़बरदस्त से पकोड़ों की रेसिपी। तो बारिश में तो पकोड़ों की क्या ही बात है। तो चलिए फिर अब अपने रेसिपी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह मेरी मम्मा के स्टाइल से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से यम्मी से पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए एक पाव बेसन और एक अदद आलू चाहिए हमें, और ये हमने चार प्याज कटिंग करी है, बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, और ये हमने धनिया लिया है आधी गड्डी, और कुछ हरी मिर्चें काट के रखी हैं, ये पुदीना है, ये दो अदद मैंने हरी प्याज ली हैं उसको कट कर लिया है मैंने। और चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो ज़ीरा लिया है मैंने आधा चम्मच, और साबुत धनिया लिया आधा चम्मच, चाट मसाला लिया आधा चम्मच, नमक लिया है मैंने आधा चम्मच, एक चम्मच लिए कुटी हुई मिर्च। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली, और कढ़ाई के अंदर हम 2 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। तो एक तरफ ऑयल तो गरम हो ही रहा, तो अब हम इतने चलते हैं अपने पकौड़ों की तरफ जो हमारा वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया है, उसके अंदर अनियन कट करके ऐड कर दिए हैं, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हमने जो पोटैटोज कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे, और फिर तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, और मिंट एंड कोरिएंडर्स के लीव्स ऐड करेंगे, और उसे हाफ ग्लास ऑफ वाटर से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पकौड़ों का जो बैटर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब हमारी कढ़ाई जो है वो काफ़ी देर से वेट कर रही है पकौड़ों का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पकौड़ों की तरफ। तो यहाँ पे हमने पकौड़ों को फ्राई करना शुरू कर दिया है, तो इसी तरीके से हम 1 by 1 पकौड़ों को ऐड करते जाएंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। ओहो, ऑयल में पकौड़े जाने के बाद तो क्या खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पकौड़े 1 by 1 करके अपनी कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से करारे करारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं हम इसको डिश आउट करने और इसका फाइनल लुक देखते हैं कैसा आया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से करकरारे से पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और इसका फाइनल लुक देखिए कितना ज़बरदस्त आया। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ तो डालनी बाकी रह ही गई है, इसकी टॉपिंग। तो हम इसकी टॉपिंग करेंगे चाट मसाले के साथ और टोमेटो केचप के साथ। तो चलिए फिर टॉपिंग करना शुरू करते हैं। चाट मसाला डालने से काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है पकौड़ों में, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त से पकौड़ों की टॉपिंग हो गई, और ये काफ़ी यमी और टेस्टी लग रहे हैं। तो आई होप आप सबको मेरा ये वाला रेसिपी ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। सो आई होप आप सबको मेरे रेसिपी ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप सबको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करती हूँ। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।